हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadkanama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ सिरसा सांसद हैं मैडम सुनीता दुग्गल। हम इनसे चर्चा करते हैं और आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका पहले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सड़कनामा की तरफ से मैं पूरे क्षेत्रवासियों को और हरियाणा वासियों को और भारतवर्ष को जो है होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी हुई थी बजट को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो बजट केंद्र सरकार ने भी प्रस्तुत किया है और हरियाणा की सरकार ने भी प्रस्तुत किया है, इस बजट में खास करके जो मुख्य बिंदु हैं वो आप क्या मानती हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले तो जो हमारी केंद्र सरकार की जो बजट था उसके अंदर माननीय निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत किया, जिसके अंदर कि सभी, चाहे हम किसान भाइयों की बात करें, हम OBC क्लास, SC ST क्लास की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, सबके बारे में उन्होंने जो है वो कुछ ना कुछ इस बजट के अंदर रखा प्रावधान। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के केंद्र सरकार से बहुत सी ऐसी योजनाएँ लेकर आए हैं कि जिसमें हमारे हरियाणा वासी जो है अंत्योदय के माध्यम से जो अंतिम पंक्ति पर खड़ा जो व्यक्ति है उसको भी लाभ मिलेगा, युवाओं को लाभ मिलेगा, महिलाओं को लाभ मिलेगा, किसान वर्ग को बहुत ज़्यादा इसमें लाभ मिलने वाला है, आर्टिसंस को जो हमारे कौशल के अंदर जो हमारे जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको इसमें बहुत लाभ मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट प्रस्तुत किया गया लेकिन उसके बीच में गैप डाला गया है ताकि दो जो कमियां हैं वो भी जनता से पूछ करके उन कमियों पे भी बाद में दुरुस्त किया जाए। आपको लगता है कि कुछ सुधार है वो किया जा सकता है कुछ फील्ड्स को लेकर के, खास करके युवाओं को लेकर के, क्योंकि नौकरियां नहीं निकल रही है? हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 65,000 देंगे, क्या कुछ कहेंगे? नौकरियां, देखिए ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ना वो सदा सीखने की उनकी लालसा रहती है। तो जिस तरह से जो केंद्र का बजट है, केंद्र का बजट भी इस तरह से दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है। पहले भाग में जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद फिर जो डिमांड्स और ग्रांट्स होती है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन होता है। तो उसी तरह से जो है अब की बार असेंबली के अंदर जो है विधानसभा के अंदर भी इसको दो भागों में बांटा गया है। पहली बार में जो बजट रखा गया और उसके बारे में उसकी पूरी चर्चा होगी और उसको पास किया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी, चाहे हम सांसदों की बात करें, चाहे हम विधायकों की बात करें, आम जन की बात करें, सबसे जो विचार विमर्श करने के बाद जो है ये बजट प्रस्तुत किया है। और बहुत ही अच्छा बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया, कोई टैक्स नहीं लगाया इसमें, और जो जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं थी उनमें एक कदम और उन्होंने आगे बढ़ाया। आयुष्मान योजना के बारे में आज सारी पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है, बल्कि बाहर विदेशों में भी बड़ा ये इस एक अचरज के हिसाब से देखा जाता है कि कैसे संभव हो सकता है कि आयुष्मान योजना के तहत इतने नागरिकों को जो है 5 लाख रुपये तक की जो चिकित्सा की सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध करवाई जा सकें। उस आयुष्मान योजना को हरियाणा के अंदर एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चिरायु हरियाणा किया है, 1,80,000 तक की जिनकी इनकम है उन सबको इसके अंदर जो है वो लिया जाएगा। इस वाले बजट के अंदर उन्होंने इस लिमिट को 3 लाख रुपया कर दिया कि 3 लाख रुपए तक की जो आय के जो नागरिक हैं उन सबको चिरायु हरियाणा के तहत जो है उनको चिकित्सा सुविधा सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें, एक मैं आपको बताती हूँ कि सरकार की कोशिश है कि गाँव से बाहर जो है वो कैटल शेड बने ताकि पूरे गाँव का जो कैटल है वो वहाँ पर बन सके, और उसके बाद जो वहाँ पर जो बायोगैस प्लांट है वो भी लगाया जा सके, और इसके साथ पूरा स्वच्छता रहेगी गाँव के अंदर, और उस बायोगैस प्लांट से जो है अगर हम गैस जनरेट कर पाते हैं तो वो गाँव वासियों को भी मिल सके, ये सरकार की तरफ की योजना है। एक एक्सपोर्ट सेंटर जो है वो हरियाणा में बनाया जा रहा है कि जाके एक सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट जो है उस तक बढ़ाया है, और उसमें हर ब्लॉक के अंदर जो प्रोडक्ट है जो अगर वो अपना उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो हरियाणा का एक्सपोर्ट सेंटर है वो उसके अंदर भेज सकते हैं उसको, वहाँ से फिर वो जो केंद्र ने एक जो एक्सपोर्ट सेंटर बनाया है वहाँ पर वो भेजेंगे ताकि वहाँ से जो है उनको एक्सपोर्ट किया जा सकते हो। और पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं वो भी करनाल में आए थे, उन्होंने वहाँ पर उसका उद्घाटन किया, तो उन्होंने भी कहा कि हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सिर्फ हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को, या कि जो हस्तशिल्प में जो प्रांगत हैं वो अपने प्रोडक्ट को जो है इस केंद्र तक लेकर आएँ, उसके बाद की सारी जिम्मेवारी सरकार की कि सरकार कैसे उसको एक्सपोर्ट करती है, आपकी बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैडम, सरपंचों का आंदोलन चल रहा है, हालांकि चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन किया,
आपके भी पूरा नॉलेज में है मामला, क्या लगता है आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए ऐसा है कि जैसा मुझे पता लगा है कि 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कमेटी की फिर से बैठक एक होने वाली है, और मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि मैं चाहती हूँ, मैं तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो इनका आपस का जो है जो है ये ख़त्म हो, इस गतिरोध के ख़त्म होने के बाद आपस में जो सामंजस्य के साथ जो है हम आगे बढ़ें। देखिए कितने सालों के बाद मुझे लगता है कि छोटी सरकार बनी है, तो अब वो सरकार, छोटी सरकार जो है, पंचायत जो है, वो गाँव के अंदर सही तरीके से विकास करें, हम सब लोगों की ये कोशिश है। तो मेरी पूरी इच्छा है और मेरी पूरी ये आशा भी है मुझे कि गतिरोध खत्म होगा और आपस में जो है तालमेल सरकार के साथ सरपंच भाइयों का बनेगा और जो गांव के अंदर विकास की गति तेज होगी। अंतिम सवाल मेरा नशे को लेकर के, हालांकि चिट्टा नशा पंजाब हरियाणा राजस्थान की सीमा, जब आपने भी यहाँ पे जब चुनाव कैंपेनिंग शुरू किया तब भी वही प्रॉब्लम थी और आज भी वही प्रॉब्लम है। संसद के अंदर भी आपने देखा होगा कि किस तरह से मैं इस बात को समय समय पर उठाती रहती हूँ, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को लेकर जो आगे उनको बढ़ाने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, चाहे हम खेलों की बात करें, और उसी तरह से जो हमारे गृह मंत्री हैं, जो जिनके पास सहकारिता विभाग भी है, तो पिछले दिनों जो है वो उन्होंने चंडीगढ़ में मीटिंग ली थी और वो बहुत इस बात को लेकर संजीदा है, और बहुत आप ये देखिए आने वाले समय में पकड़ जो है उनके ऊपर जो माफिया हैं बहुत ज़्यादा तेज होने वाली है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि कितने इस तरह के जो लोग इसमें संलिप्त पाए गए, उनकी जो है डिमोलिश किया गया उनकी प्रॉपर्टी को, और उनके अंदर बिल्कुल जो है वो तहलका मची हुई है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जब एक्शन होंगे तो धीरे धीरे, और इसके साथ सामाजिक सरोकार बहुत ज़रूरी है। अभी पिछले दिनों भी बप्पा में मैंने एक जो है कार्यक्रम में भाग लिया था, जिसके अंदर कि जो है वो हमारे बहुत से जितने भी हमारे यहाँ की जो संस्थाएँ हैं, धार्मिक संस्थाएँ हैं, वो सब भी जुड़ी थी उसमें, और सब ने ये प्रण किया था कि हम सब मिलकर जो है अपने इलाके को नशा मुक्त करेंगे, और युवा लोग जो है उसके अंदर बहुत तादाद के अंदर आए थे, और जगह जगह हम लोग खेल जो है वो करवाए जा रहे हैं, चाहे आप कबड्डी की बात करें, पिछले दिनों मुझे जो है गाँव के अंदर वहाँ पर महिलाएं भी और लड़के भी और लड़के भी हैं, बहुत अच्छा जो उनका जो कुश्ती का उनका मैच था वो उसके अंदर, युवा जब खेलों के अंदर आएगा तो मुझे लगता है कि तब भी वो नशे से दूर हो सकेगा। कबड्डी का गेम जो है, अभी पिछले दिनों मुझे एक गांव में, यहाँ पर कालावली में एक गांव में मुझे जाने का मौका मिला, रोड़ी में, बहुत अच्छा वहाँ पर गाँव के वातावरण में किस तरह से जो है भारी संख्या के अंदर ग्रामवासी आए हुए थे और कबड्डी का बहुत अच्छा मैच वहाँ पर हुआ। तो ये जब बच्चे खेल में आएंगे, तो इसलिए सरकार ने कहा कि हर गाँव के अंदर जो है वो जिम बनाया जाएगा, हर गाँव के अंदर जो है वो खेल की कोई ना कोई सुविधा जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सांसद सुनीता दुग्गल, लगातार हमारे साथ बने रही, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।